2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से कमर कस चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में बीजेपी किसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। क्या पीएम मोदी होंगे बीजेपी के पीएम पद का चेहरा या फिर किसी दूसरे नेता को मौका मिलेगा? इन सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पटना में दे दिया। शाह ने कहा 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। दरअसल पटना में चल रही बीजेपी प्रकोष्ठों की 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का रविवार को अंतिम दिन था। समापन सत्र को अमित शाह और जेपी नड्डा ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और जीत हासिल करने की दिशा में प्रयास करें। अमित शाह ने कहा 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस बात की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी। और कुल मिलाकर के कार्यक्रम में 5 सत्र हुए, 5 सत्र हुआ, और इसी से समझिए इस कार्यक्रम की कितनी गंभीरता। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने उसको समापन किया। इस पूरे बैठक के बाद कार्यकर्ता बिल्कुल एक हर्ष और उल्लास जोश उमंग के साथ संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक सीट जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही मुझको आपका कहना था। बता दें पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रकोष्ठों की 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि देश में देशभक्ति का वातावरण बनाना है, 13 से 15 अगस्त तक देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराना है। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे।